हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से सन्टिंग नेक क्या होता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। सामने जो पिक्चर दिख रहा है ये एक स्टॉप बोर्ड है, ये जो इस लाइन में जो दिख रहा है ये स्टॉप बोर्ड है। और इसमें क्या होता है कि एक्चुअली इसमें होता क्या है, जैसे ये जो हमारा लाइन है ये एक्चुअली सन्टिंग नेक का लाइन है, और दूसरा जो आदमी जो दिख रहा है वो लूप लाइन, जैसे ये आगे जो है ये लूप लाइन है, लूप लाइन से जैसे मेन लाइन की तरफ कनेक्टेड ट्रैक है, तो वो जो लूप लाइन से मेन लाइन की तरफ जो कनेक्टेड ट्रैक है उसके बाद जो इस तरफ का जो रेलवे का जो ट्रैक है उसको सन्टिंग नेक बोला जाता है। इसमें जो है जितना स्पेस है उसके हिसाब से कोई इंजन आ सकता है या कोई जैसे मशीन वगैरह को जो रखना रहता है तो वो रखा जा सकता है। वहाँ पर जो है हैंड ऑपरेटेड स्विच रहता है, उसके थ्रू जो है ऑपरेट करके जो है इस तरफ कर सकता है, तो फिर क्या है वो लाइन जो है एक्चुअली क्लियर हो जाता है, फिर उस लाइन में कोई गाड़ी को रिसीव कर सकता है स्टेशन मास्टर। तो सन्टिंग नेक जो है यही होता है, और आप ध्यान रखें कि सन्टिंग नेक जो है एक्चुअली जो है जो कोई जो लाइन है जो भी स्टेशन वगैरह पर जाया जाता है, जैसे ऑफ लाइन, डाउन लाइन, जैसे साइडिंग का लाइन, जैसे लूप लाइन वगैरह जो होता है, उसके बाद का जो एक्सटेंडेड जो पोर्शन होता है, जैसे डेड एंड की तरफ भी हो सकता है और दूसरा बफर स्टॉप की तरफ भी हो सकता है, तो जैसे ये डेड एंड की तरफ है तो डेड एंड की तरफ भी थोड़ा एक्सटेंडेड रहता है, तो वो जो एरिया में कोई ट्रैक में जो गाड़ी आ सकती है, रिसीव हो सकता है, उसको सन्टिंग नेक लाइन बोला जाता है। तो इस तरफ इस एरिया में जो है कोई गाड़ी अगर लेना है मशीन वगैरह तो उसको सन्टिंग नेक बोला जाता है। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से सन्टिंग नेक क्या होता है रेलवे ट्रैक में, इसकी रिगार्डिंग डिटेल आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ गया। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।